हेलो स्टूडेंट, टुडेज़ टॉपिक इज़ वाटर मैनेजमेंट। वन साइड ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एक तरफ हम देखते हैं कि जो मनुष्य की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड नॉन साइंटिफिक यूज़ ऑफ वाटर हैव रिसाइड द प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज, और आजकल के आधुनिक जो जीवन शैली है उसमें और जो हम इस तरीके से जो वाटर का जो यूज़ कर रहे हैं उसके कारण वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ रहा है। ऑन द अदर साइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन वाटर रीच टू द ओशियन थ्रू सरफेस फ्लो बाय रिवर्स विदाउट इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वर्षा का रेन वाटर है यानी कि वर्षा के कारण का जो पानी है वो ओशियंस में जा रहा है थ्रू टू रिवर्स विदाउट इस प्रॉपर यूटिलाइजेशन, बिना किसी उपयोगिता के, बिना किसी उपयोग के जो रिवर्स है, जो नहर, जो नदियां हैं उसके द्वारा जो रेन वाटर है वो सीधा ओशियन यानी कि समुद्र में जा रहा है। इन दिस सिचुएशन इट इज़ डेयर नीड टू द टाइम ऑफ इंश्योर द सप्लाई ऑफ वाटर बाय अडॉप्टिंग वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, और इसी कारण से इस सिचुएशन यानी कि इस जो स्थिति में हमें जो वाटर का जो मैनेजमेंट है उसकी तकनीक को अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन दिस डायरेक्शन इट इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू मैनेज रेन वाटर, इस दिशा में सबसे पहले हमें यह आवश्यकता है कि जो हम रेन वाटर है उसको मैनेज करें। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज़ एसेंशियल इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि सबसे जो उपयोगी बात यह है कि जो ये रेन वाटर है उसका इस तरीके से हम इसका उपयोग करें जो पॉपुलेशन यानी कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती जनसंख्या है, उसकी जो नीड है उसको पूरा कर सके। एंड इट्स मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑर्डर टू टैकल द सरकमस्टेंसेस ऑफ फैमिनी एंड ड्रॉट रिजल्टिंग फ्रॉम द अनकंटेंटली एंड इरीगेटली ऑफ द मानसून। सर्वल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंट इन द 5-year प्लान विज रिजल्टिंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड ड्रॉट एंड सपोर्टेड द पॉपुलेशन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इरीगेशन फिशनिंग एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और जो इसी जो समस्या है, जो पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करी उसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं 5-year जो प्लान डेवलप किए गए उसमें कई ऐसे मल्टीपर्पज़ प्रोग्राम यानी कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं चलाई गई जिसके द्वारा फ्लड और ड्रॉट यानी कि जो बाढ़ और अकाल की जो समस्या है उसका समाधान किया गया। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन हुआ इससे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हुआ गया, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की गई पीने के लिए पानी, इरिगेशन सिंचाई, फिशनिंग मछली पालन और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और पर्यावरणीय प्रबंध भी इसके द्वारा किए गए। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल दिस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि इन बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से बोला है, यानी कि आधुनिक भारत इन जो बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा कहा गया है। इन दिस इन
इन इंडिया दिस प्रोजेक्ट आर रन बाय स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट. जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है. द एक्सीजेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सच एज भाखड़ा नागर, रिहिंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तेहरी इज़ बीइंग डन बाय द सेंटर गवर्नमेंट. ये जो सभी प्रोजेक्ट हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं. द चंबल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, तरुवंगा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, एमपी एंड राजस्थान, मयूरा कक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान, गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड यूपी, मचकुंद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ईटीसी आर बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये जो सभी प्रोजेक्ट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं. इन ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मोर देन वन ऑब्जेक्टिव आर फुलफिल्ड. यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उसमें एक से ज़्यादा उद्देश्य को पूरा किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज़. जैसे पहले सिंचाई के लिए जो पानी की उपलब्धता यानी कि पूर्ति की जाती है. प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है. फ्लड कंट्रोल एंड ड्रॉट मैनेजमेंट, साथ ही साथ जो बाढ़ है बाढ़ को नियंत्रित करने और ड्रॉट मैनेजमेंट यानी अकाल से संबंधित प्रबंधन भी किया जाता है. सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़, औद्योगिक उपयोग के लिए वाटर यानी कि पानी की पूर्ति की जाती है. सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की पूर्ति की जाती है. फिशिंग, मछली पालन के लिए है. और वाटर स्पोर्ट एंड टूरिज्म, साथ ही साथ जो पानी के खेल हैं और टूरिज्म यानी परिवहन के काम में भी लिया जाता है. तो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को पूरा करते हैं. सिंचाई के लिए पानी देते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, ड्रॉट मैनेजमेंट के काम में आते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वाटर सप्लाई करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराते हैं, फिशिंग, वाटर स्पोर्ट और टूरिज्म में ये काम में आते हैं.